की न कालों की, दुनिया है दिल वालों की। गोरों की न कालों की, दुनिया है दिल वालों की। गोरों की न कालों की, दुनिया है दिल वालों की। हंस के हंस गए मरे हम जैसे दिल वालों की। हो हो गोरों की नकालों की, दुनिया है दिल वालों की। ऐसे गुमसुम तो है क्यों खामोशी थोड़ी दे, जीना क्या दिल हार के पागल कन छोड़ दे। अजर मेरे साथ ये जगी जगी रात, पुकार तुझे सुन सुना दे वो है धुन, जिमे 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 आजा आजा आजा। बॉलीवुड में गायकों का एक अलग ही मुकाम रहा है। हर गायक एक अलग ही तरीका होता है, लेकिन कई बार इन्हीं गायकों में से कोई गायक अपना एक ऐसा स्थान बनाता है जो बाकियों से बिल्कुल जुदा होता है। ऐसे ही गायकों में से एक हैं हमारे बप्पी दा, यानी बॉलीवुड के पहले रॉक स्टार बप्पी लहरी। बप्पी लहरी ने बॉलीवुड में गीतों को पॉप का तड़का लगाया और भारतीय दर्शकों को एक नया स्वाद प्रदान किया। भारतीय संगीत जगत में एक समय ऐसा भी था जब बप्पी लहरी का नाम आते ही लोगों के जहन में झूमते हुए गाने और बेहतरीन म्यूजिक घूमता था। बप्पी लहरी की एक और खासियत उनके गहने हैं, गले में सोने की मोटी चैन और भारी भारी अंगूठियां। पहले बप्पी लहरी को देखने वाले सोने की दुकान तक कहते हैं, लेकिन सच तो यह है कि बप्पी लहरी को सोने से बेहद लगाव है और वह सोने को अपने लिए लकी मानते हैं। 27 नवंबर 1992 को बप्पी लहरी का जन्म कोलकाता में हुआ था। वह एक संगीत घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। उनके पिता आपरेश लहरी एक प्रसिद्ध बंगाली गायक थे। बप्पी लहरी 19 साल की उम्र में ही बॉलीवुड में नाम कमाने के लिए मुंबई चले आए। साल 1973 में उन्हें हिंदी फिल्म नन्हा शिकारी में गाना गाने का मौका मिल गया। हालांकि उन्हें बॉलीवुड में असली पहचान 1975 की फिल्म जख्मी से मिली। इस फिल्म में उन्होंने मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार जैसे महान गायकों के साथ गाना गाया। इसके बाद तो जैसे बप्पी दा का गाना सबकी ज़ुबान पर छाने लगा। और यही वजह है कि आज 50 साल पूरे हो गए हैं फिल्म इंडस्ट्री में, जिसको लेकर बप्पी दा ने क्या कहा है। जनता जनार्दन है, उनका ही आशीर्वाद, उनका प्यार, उनका दुआ। जो आज भी मेरा 6 पिक्चर चल रहे हैं मार्केट में, तो आज जो 50 ईयर्स कम्प्लीट हुआ उसमें दो बातें हैं। एक तो चलो जो जो पिक्चर आ रहे हैं रिलीज हो गया, बागी 3, कामयाब, शुभ मंगल, जो जो पिक्चर आ रहे हैं सब कुछ, बैचलर बबलू बैचलर आ रहे हैं नेक्स्ट वीक, वो तो चलते रहेगा और मैं वही करते रहता हूँ। तो आज क्या आ रहा है, आज क्या आ रहा है, यानी 50 साल जो कंप्लीट हुआ। आज मेरा यात्रा जो है देवानंद दिलीप कुमार 2 वरुण धवन टाइगर श्रॉफ, तम्मा तम्मा लोगे रणवीर सिंह तूने मारी एंट्री गुंडे, तो ये तो चली रहा है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू इंट्रोड्यूस माय सुपर आइकॉनिक सॉन्ग वर्ल्ड फेमस जिमी जिमी आजा आजा, जिमी 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 आजा आजा आजा। द सॉन्ग पॉपुलर सो मच इन रशिया एंड चाइना। शी इज़ द जिमी गर्ल, शी केम फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम रशिया एंड शी सैंग जिमी जिमी आजा आजा। यू कैन सी द यूट्यूब सिंग टू लाइन टू लाइन। आपने दादा के साथ गाना किया है, रशियन वर्जन है, जिमी जिमी इतना आइकॉनिक सॉन्ग है, क्या कहना चाहेंगे आप? आप हिंदी बहुत अच्छी बोलती हैं श्वेता। नमस्ते मुझसे, नमस्ते इंडिया, नमस्ते इंडिया, आई लव यू इंडिया। मैं आई हूँ आपके लिए, भाभी बप्पी जी के लिए बहुत खुश हो आपसे मिलना, बहुत खुश हो। धन्यवाद कि आप मौका दिया मुझे आपके साथ काम करना।
मैंने इनका गाना देखा था, मैं थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं आई हैव सीन अ सॉन्ग जिमी जिमी आजा आजा, रशिया में 10,000 पीपल में गाना गा रहे, वो देख के मैंने सोचा इनसे कुछ गवाना है, तो फ्रेश सॉन्ग शी सिंगिंग नाउ, समीर अंजान लिरिक्स, दो गाना गा रही है, उसमें नया वीडियो कर रहे हैं, और इट्स अ सुपर हिट सॉन्ग, जिमी बाबू आ गया, इट्स अ वेरी फैंटास्टिक सॉन्ग, शी सिंगिंग, ऑलरेडी रिकॉर्डेड, नॉट सिंगिंग, ऑलरेडी रिकॉर्डेड, गाना बहुत अच्छा, रिलीज करेंगे नेक्स्ट मंथ, विद इन 20 डेज वी विल रिलीज अप। स्वेतलाना, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका दादा के साथ गाना जो आपने गाया है, पूरा जो एक्सपीरियंस रहा इतने बड़े लेजेंड के साथ, आप इंडिया में आपकी फर्स्ट जो डेब्यू हो रहा है, वो क्या क्या बोलेंगे आप? बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं काम अभी काम कर रही हूँ इतना बड़े आदमी से, आदमी के साथ, ये डिस्को किंग, थैंक यू, गाना जी में बहुत फेमस राशन, सिंग सिंग वन लाइन, ओके, ऐसे गुमसुम तो है क्यों खामोशी थोड़ी दे, जीना क्या दिल हार के पागल कन छोड़ दे, अजर मेरे साथ ये जगी जगी रात, पुकार तुझे सुन सुना दे वो है धुन, जिमी 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 आजा आजा आजा, जिमी 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 आजा आजा आजा, थैंक यू वेरी मच, लवली लवली लवली, ये गाना से रशिया में मेरा फेमस हुआ, यस यू आर फेमस बिकॉज़ ऑफ दिस सॉन्ग, ये गाना से जिमी गर्ल, दैट्स व्हाई जिमी गर्ल शी इज, धन्यवाद बाकी, थैंक यू ये गाना, और आप लोग को सबको धन्यवाद, आप लोग स्वेतलाना को जो आप लोग देख रहे हैं, आप लोग दुआ कीजिए, प्यार दीजिए, आशीर्वाद कीजिए, उनका जो फ्रेश सॉन्ग जो आ रहे हैं, जिमी बाबू आ गया, जो समीर अंजान ने लिखा है, वो गाना भी सुपर हिट हो, आप लोग को पास, आपको आप लोग को सबको बहुत पसंद आए। बस मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, मैं भी आई वॉज इन कजाकिस्तान, पार्ट ऑफ रशिया, तो मैं देखा उधर जाके, अभी जाके आया था, इतना फेमस आज का गाना कुछ नहीं है, आज का जो गाना है इतना बड़े बड़े स्टार है, जिमी जिमी आजा आजा जो सुपर डुपर हिट है, ऐसा गाना हिट बहुत कम होता है, तो ये पता नहीं पब्लिक को बहुत पसंद है, अदर सॉन्ग ऑल्सो वेरी बिग हिट, गोरो की नकालो की, गोरो की नकालो की, गोरो की नकालो की, दुनिया है दिल वालों की, हंस के जी हंस के मरे हम जैसे दिल वालों की, हो गोरो की नकालो की, दुनिया है दिल वालों की, थैंक यू पपी जी, ये दोनों गाना आपके बहुत फेमस है राशि में, जब ये गाना टीवी पे और रेडियो पे हमेशा सब जगह बजता है, बजता है, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इंडो रशिया, इंडियन रशिया बिग फ्रेंड्स, बिग फ्रेंड्स, फ्रेंडशिप नॉट लॉन्ग 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 टाइम, तो बस इंडो फ्रेंड इंडो एशिया जो इंडो रशिया फ्रेंडशिप, वी हैव टू कीप नाइसली, दैट्स व्हाई आई कॉल्ड यू जिमी गर्ल एंड यू सैंग सो वेल, आई एम सो हैप्पी, थैंक यू वेरी मच। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।